भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिर सिंधिया के ग्वालियर दौरे की दिनांकों 22 से 24 के दौरान ग्वालियर में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज अधिकारियों के साथ क्षेत्र स्थल का दौरा किया और कार्यक्रम की तैयारियों की रूपरेखा तैयार की। यहां बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह पहला दौरा होगा। इस पहले दौरे के दौरान इसमें कई हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा के सदस्य लाने के लिए बड़े आयोजन भी कराए जा रहे हैं। इस संबंध में हमें मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जानकारी भी दी। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के जनता विरोधी कार्यों के कारण कार्यकर्ताओं के को अपमानित किया गया। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहते हैं। उन सदस्यों को सदस्यता दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पधार रहा है और उसमें लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और प्रदेश और देश की विकास धारा की जो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। कितनी तादाद में कार्यकर्ता शामिल अभी और कब हो कार्यक्रम कब होगा अभी उसको देखेगा। मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होना है क्योंकि कांग्रेस की वरिष्ठ नेतृत्व ने जिस तरीके से जनता को और कार्यकर्ताओं को अपमानित किया। कांग्रेस की जो सरकार आई वो सिंधिया जी के चेहरे पर आई, उनको दरकिनार किया गया, जनता की मांगों को दरकिनार किया गया, उनको जो दिए गए वचन थे जनता को वो पूरे नहीं किए गए, जिसके कारण आम जनता और कार्यकर्ता में असंतोष था और उस असंतोष के कारण सरकार गिर गई और आम जनता ने एक शिवराज सिंह की सरकार के नेतृत्व में एक सरकार बनाई जिससे विकास की गति प्रारंभ हुई है। उन कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा, इस भाव से वो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कब कब हो रहा है ये जल्दी से 22 23 24 इन 3-4 दिन के कार्यक्रम हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे।